तो महाराष्ट्र में सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नैतिकता के आधार पर उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। इस मामले पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी। महाराष्ट्र की यदि बात करें, अब राज्यपाल की तरफ से निर्देश दिया गया है कि कल फ्लोर टेस्ट कराया जाए, लेकिन फ्लोर टेस्ट ना हो इसके लिए अब शिवसेना महाविकास आघाड़ी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर उनके पास बहुमत है तो भाग क्यों रही है? एक्चुअली क्या है कि इनको पता है सरकार तो गिर गई है, उद्धव जी वर्षा से बाहर आ चुके हैं, लेकिन जो लूट बचा हुआ है अभी आप देखेंगे, रात को दो दो तीन तीन बजे तक मंत्रालय खुले हुए हैं, कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं। ये नैतिक आधार पर भी सरकार से बाहर जाना चाहिए और पूरे तरीके से भी सरकार से बाहर जाना चाहिए। ये महाराष्ट्र के भविष्य के लिए बहुत बहुत ही आवश्यक है और जो माननीय राज्यपाल जी ने फैसला लिया है बहुत सही फैसला लिया है। अगर जो विधायक बाहर हैं शिवसेना के गुंडागर्दी की वजह से जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके बिना भी अगर फ्लोर टेस्ट किया जाता है तो भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की परिस्थिति में है, लेकिन चूँकि जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के नेता अपने अपने फाइलें क्लियर कराने के चक्कर में लगे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि अभी कोई सरकार यहाँ से जाए। क्योंकि देखा जाए तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे वर्षा से मातोश्री पहुंचते हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा मैं फ्लोर टेस्ट कराने को तैयार हूं। अब फ्लोर टेस्ट ना हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए कल महाराष्ट्र भी जाने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है कि आखिरकार शिवसेना ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो डरी हुई है कि फ्लोर टेस्ट होते ही सरकार गिर जाएगी? नहीं, माननीय उद्धव साहब ठाकरे जो है वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने नैतिकता के आधार पर वर्षा छोड़ दिया। उन्होंने संकेत दिया कि हमको सरकार बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनके पीछे जो दो कांग्रेस और एनसीपी के लोग हैं वो बिल्कुल गिद्ध की तरह हैं कि जब तक लाश को पूरी तरह से नोच नहीं लेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। वो परिस्थिति महाराष्ट्र की है। मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट भी होगा, सरकार भी गिरेगी और एक अच्छी साफ सुथरी काम करने वाली सरकार, जनता की सरकार, गरीब कल्याण करने वाली सरकार वो महाराष्ट्र में मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के रूप में। देखा जाए तो संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं जिससे जो बागी विधायक हैं वो अभी भी नाराज हैं। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में ये जो राजनीतिक महासंकट कायम है ये कब तक खत्म होगा? ये तो मुझे लगता है कल खत्म हो जाएगा। और ये जो बड़बोलापन है संजय राउत का, संजय राउत ने ही शिवसेना को डुबाया है। मुझे लगता है शिवसैनिक उनका कुर्ता फाड़ेंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।